गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.2। आज में इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगी। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ नंबर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फर्स्ट, इवन नंबर। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 की टेबल्स में आते हैं वो सब इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, ये सब 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। पर अगर कोई बड़ा नंबर है जैसे कि 108, अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इवन है या ऑड है? तो इसकी हम लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट है 8। 8 2 की टेबल में आता है, इसलिए 8 इवन नंबर है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, ऑड नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, ये 2 की टेबल में नहीं आते हैं इसलिए ये ऑड नंबर है। पर अब कोई बड़ा नंबर जैसे 109, अब 109 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इवन है या ऑड है? तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 2 की टेबल में नहीं आता इसलिए 9 ऑड है। अगर 9 ऑड है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? ऑड होगा। ऐसे ही 233, 33 का लास्ट डिजिट है 3, 3 2 की टेबल में नहीं आता, ये ऑड है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? ऑड होगा। इस तरह से हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर वो खुद, वो प्राइम नंबर होता है। हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 टेबल से डिवाइड हो, या तो 1 की टेबल से या खुद की टेबल से, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हो, या तो एक 1 की टेबल में या वो खुद नंबर उसकी खुद की टेबल में आते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 या तो 1 की टेबल में आता है या सिर्फ 2 की टेबल में आता है, इसलिए 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, इसलिए भी प्राइम नंबर है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, वो उसकी खुद की टेबल में आता है, जबकि प्राइम नंबर्स के लिए 2 टेबल्स होना ज़रूरी है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 से ज़्यादा टेबल में आए, 3 या 4 या 5 टेबल में आए, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। हमें बताना है कि 2 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। 2 ऑड नंबर हम कोई से भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया ऑड नंबर होता है 3 और 5, कोई से भी हम ऑड नंबर ले सकते हैं। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हम लेंगे 9 और 11, इट इज 20। देखो दोनों ऑड नंबर्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब किसी दो ऑड नंबर को ऐड किया जाता है तो आंसर क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, जब किसी 2 ऑड नंबर को ऐड किया जाता है तो आंसर इवन नंबर होता है। अब 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, जैसे कि 2 प्लस 4, ये दोनों इवन है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो आंसर क्या आया? 6। ऐसे ही कोई से भी 2 इवन नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि 12 प्लस 16, कितना आएगा? 28। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 इवन नंबर्स को ऐड करने पर भी क्या आएगा? आंसर इवन नंबर आएगा। तो इट इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, ये भी एक इवन नंबर होगा।
इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20. 20 से कम नंबर्स लिखने हैं, मतलब 20 से छोटी डिजिट लिखनी है, जो उसमें हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को सेपरेट सेपरेट करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से. 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5, 7, 8. 8 की बात करें हम, 8 एक प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 8 वन की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है एंड 8 की टेबल में भी आता है. तो 4 टेबल्स में आता है, इसलिए 8 एक प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 टेबल्स में आना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं 9 की. 9 वन की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है एंड 9 की टेबल में भी आता है. 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं होगा. 10, 10 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो भी 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है. बात करते हैं 11 की. 11 एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि या तो 1 की टेबल में आता है या 11 की टेबल में आता है. ऐसे ही 13, 13 भी एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि या तो 1 की टेबल में आएगा या 13 की टेबल में आएगा. 14 और 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है और 17 है सीधे. तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर. ये या तो खुद की टेबल में आएंगे या 1 की टेबल में आएंगे. नेक्स्ट कंपोजिट नंबर. अब जो प्राइम नंबर को छोड़ छोड़ के बच रहे हैं वो सब कंपोजिट नंबर. 2, 3, 4, 5 के बाद 6, 7, 8 बच रहा है, 9, 10, 12, 14, 15, 18. इसमें 19 और आएगा प्राइम नंबर में. 19 भी एक प्राइम नंबर है. इस तरह से हम प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम नंबर. ये जो हमें 44 दिया हुआ है, हम इसको सम के रूप में लिखना है. किसके सम के रूप में लिखना है? जो ओड नंबर भी हो प्राइम नंबर भी हो. तो हमें फर्स्ट नंबर देखते हैं हम, जो ओड और प्राइम दोनों हो, 3. ओड भी है और प्राइम भी है. ठीक है, 44 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 41. 41 भी क्या है? ओड भी और प्राइम भी है. तो इस तरह से हम 44 को 2 ओड प्राइम के सम के रूप में लिखें तो क्या आएगा? 3 प्लस 41. ऐसे ही हम बात करते हैं 36 की. सबसे पहला ओड प्राइम नंबर क्या है? 3. तो 3 लिख दिया. 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच रहा है? 33. अब 33 और 3 हो तो 36 ही रहा है, पर 33 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है. ये ओड तो है पर प्राइम नहीं है, इसलिए ये जो हमारा ये गलत है. अब हम क्या करेंगे? 3 की जगह हम क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे. ठीक है, 5 क्या है? एक ओड भी और एक प्राइम नंबर भी. 36 में से 5 गया तो क्या आएगा? 31. 31 प्राइम भी है और ओड भी है. तो इस तरह से 36 को जब 2 प्राइम ओड नंबर्स के सम के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस 31. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड.